राजनीति शुरू हो चुकी है इस पूरे मुद्दे पर। विपक्ष इस मुद्दे को लपक रहा है और सरकार से कह रहा है कि कम से कम आप सेना के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट, उनका क्या कुछ कहना है इस अग्निपथ योजना को लेकर सुनना बेहद जरूरी है। सुन लेते हैं क्योंकि राजस्थान से एक बड़ी संख्या में नौजवान जो है वो सेना में भर्ती होने के लिए पहुंचते हैं। क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, सुनिए। केंद्र सरकार की नई अग्निपथ नीति को लेकर के देश में तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ सचिन पायलट साहब है। पायलट साहब, राजस्थान में भी मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी लोग उतर आए हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्यों? आप खुद ही सोचिए, अगर सरकार कोई ऐसी जन कल्याण की योजना की घोषणा करती तो लोग तो खुशियां मनाते ना, सड़कों पर आके नाचते, धन्यवाद करते। आज लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सेना की भर्ती के साथ उसकी प्रक्रिया है एक, और ये सरकारें बहुत आगे चली गई, लेकिन सेना की सैंक्टिटी अलग होती है। सेना के लोगों पे हम इतना फक्र गर्व है कि उस संस्था को किसी भी हालत में हम लोग लचर या कमजोर नहीं कर सकते हैं। उस भर्ती की प्रक्रिया में छेड़खानी नहीं करना, 2-4 लाख लोगों को नौकरी टेम्प्रेरी दे देना, फिर उनको विड्रॉ कर लेना, ये पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सरकार को चाहिए कारगर रोजगार पैदा करें ना, आप उद्योग लगाएं, निवेश हो, इंडस्ट्री लगें, पढ़े लिखे बच्चे बच्चों को रोजगार मिले, कौन नहीं चाहेगा? आपने खुद ही वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। अब सेना में आप 4 लाख लोग डालना चाह रहे हैं, वो भी एक सीमित समय के लिए, उसके बाद वो क्या करेंगे? कहा गया कि 4 साल के बाद उनको प्रायोरिटी मिलेगी नौकरी करने के लिए, अब नहीं दे पाए तो फिर उनका फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर जाके खत्म होगा? तो देश में इस प्रकार के सगुफे छोड़ने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसमें आप नाकाम हैं, और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस प्रकार की घोषणाएं भारत सरकार कर रही है। आपके कुलीग दीपेंद्र हुड्डा, मैंने देखा आपसे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि इस स्कीम को वापस ले लें, आप समर्थन करते हैं? मैं नहीं, सभी कहते हैं कि भाई भारत सरकार की जिस प्रकार उन्होंने किसानों का सो कॉल्ड हित देख के कानून बनाए थे, अभी रोजगार को नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने के बहाने से घोषणा करी जा रही है, लेकिन तो देखिए जो लोग इस समय एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा है वो भी कह रहे हैं कि सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए। विपक्ष तो अपनी मांग उठा ही रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा इस समय प्रदर्शन चल रहा है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुनेंगे कि युवा जो है वो नई स्कीम को शायद समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए इस विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, सुनिए आप। देखिए, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें नौजवानों को रोजगार देने का एक ये अवसर है, और इसके अलावा और भी जितने बहाली की जो प्रक्रियाएं चल रही है उसमें वो किसी प्रकार का वापस नहीं लिया गया है। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, आपके जीवन में सेवा का अवसर आवे, आप नियोजित हों, इसके लिए दोनों सरकारें गंभीर हैं, और इसलिए इस तरह के आंदोलन को वापस लेकर जो सरकार की जो मंशा है उसको समझने का प्रयास करें। तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युवा इस योजना को समझ नहीं रहे हैं। तो साहब, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार में आइए, सड़कों पर उतरिए और समझाइए इस देश के युवाओं को जो नाराजगी जता रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अग्निपथ योजना का समर्थन कर रहे हैं। उत्तराखंड से भी बहुत से लोग सेना में जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है, सुनिए उनको। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सभी नौजवानों को, युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से सेना में काम करने का अवसर दिया है, और ऐसे अग्निवीरों को जो सेना में काम करेंगे उसके बाद उनकी जब सेवा वहाँ पर पूरी हो जाएगी, उस सेवा के बाद हम विभिन्न जो हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, चार धाम यात्रा है, उपनल है, अनेकों अनेक विभाग जिनमें भी हम उनको ले सकते हैं, सभी में हम उनको प्राथमिकता से देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी है कि सरकार एक स्कीम लेकर आई, सरकार का ये कहना है कि ये युवाओं के भले के लिए है, लेकिन युवाओं को ये स्कीम रास नहीं आ रही है और गुस्सा जो है वो सड़कों पर फूट कर आ रहा है। ये बिहार के तमाम जो शहर हैं जहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो तस्वीरें मैं इस समय आपको दिखा रही हूँ। कैमूर की तस्वीरें देख लीजिए, आगजनी हो रही है। जहानाबाद की देख लीजिए, मुजफ्फरपुर देख लीजिए, सहरसा देख लीजिए, बक्सर, आरा, छपरा, नवादा, मतलब ये जो आग है विरोध की ये तमाम शहरों में अब फैलना शुरू हो चुकी है। युवा एक ही बात कह रहे हैं कि हम 4 साल बाद क्या करेंगे, आप हमें अगर सिर्फ 4 साल के बाद निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा। सरकार कह रही है कि आपको तमाम नौकरियों में प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन युवा है कि मानने को तैयार नहीं है और गुस्सा सड़कों पर इस रूप में दिखाई दे रहा है।
गुड़िया सी सिटी जानी ना। गुड़िया सिटी हाँ गुड़िया सिटी कहाँ पे शहर अंग्रेजी लगे हैं गुड़िया सिटी वो बहुत दूर है आपको पता होगा हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं मेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालूम हो बाबा ने भेजा है कम हियर क्यूरियोसिटी नहीं क्यूरियोसिटी वो क्या दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर जो तुम्हें यहां तक ले आया क्यूरियोसिटी ABP News, आपको रखे आगे।